जय श्री सीताराम। पंचक, पंचक क्या होते हैं? पंचक मैं यदि कोई कार्य किया जाए तो वो क्या हमेशा खराब होता है? पंचक नाम सुन करके कई बार एक डर लगता है। पहले तो ये समझते कि पंचक होता क्या है। देखिए, हमारा जो हिंदू कैलेंडर है, हमारा जो हिंदू धर्म है, इसके अलग महीने चलते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, पता है ना? मुझे विश्वास है कि जो मुझे फॉलो करते हैं उन्हें तो पता होगा, जिन्हें नहीं पता वो पता करिए महीने कैसे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 5 दिन आते हैं, महीने में 5 दिन आते हैं, और 5 दिन आते हैं तो सीधा इससे स्पष्ट नाम है पंचक। 5 दिन को पंचक कहते हैं। अब ये 5 दिन कब आते हैं? तो ये 5 दिन आते हैं चंद्रमा के 5 नक्षत्रों में गोचर करने पर। भाई आपको यह पता है 27 नक्षत्र होते हैं। आप चंद्रमा या हर ग्रह हर नक्षत्र में गोचर करेंगे तो चंद्रमा भी हर नक्षत्र में गोचर करते हैं। तो यहां पर चंद्र गणना ऐसी होती है कि 27 नक्षत्रों में से जो 5 नक्षत्र होते हैं, उन 5 नक्षत्रों के मैं नाम आपको गिना देता हूं। सबसे पहले धनिष्ठा नक्षत्र होता है, फिर शतभिषा नक्षत्र होता है, फिर पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ये 5 नक्षत्र होते हैं। इनमें जब चंद्रमा जो है वो गोचर करते, चंद्रमा जाते हैं इन नक्षत्रों में भ्रमण करते हैं, तो जाकर के पंचक 5 दिनों का जन्म होता है। तो ये तो आप समझ गए कि भाई हर हिंदू कैलेंडर में, हिंदू महीने में 5 दिन होते हैं जिन्हें पंचक कहा जाता है, और क्यों बनते हैं यह मैंने आपको समझा दिया। अब इनका महत्व क्या है पंचक का, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या वास्तव में पंचक किसी प्रकार से दुखदाई होते हैं, खराब फल देने वाले होते हैं? तो हाँ, शास्त्रोक्त बात यदि हम करें, शास्त्रों की बात करें, तो कुछ कार्य वर्जित पंचक में बताए गए हैं, या कुछ कार्यों का पंचक में होना अशुभ बताया गया है। पहले शास्त्रोक्त हम बात कर लेते हैं कि भाई किन किन कार्यों का अशुभ बताया गया है। सबसे पहले तो मृत्यु हो जाना, किसी व्यक्ति की पंचक में मृत्यु हो जाती है तो इसे अशुभ कहते हैं। अब मृत्यु होना हमारे हाथ में तो है नहीं, किसी इंसान के हाथ में है कि इसकी मृत्यु कब होगी? बिल्कुल नहीं। तो फिर भी एक डेस्टिनी जिसे कहते हैं ना, एक किस्मत जिसे कहते हैं, हाँ, तो वो वही किस्मत आप समझ लीजिए। तो किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक में हो जाती है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा मान्यता होती है कि मृत्यु होने के बाद कहीं ना कहीं उसे कुछ परेशानी आती है, उसकी आत्मा को कुछ परेशानी होती है। तो फिर इसके लिए अलग विधान भी, ऐसा नहीं है कि विधान नहीं है। अब गरुड़ पुराण में बहुत विधान भी इसके बताए गए हैं कि पंचक में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जो जो कर्म कांड किए जाते हैं मृत्यु के बाद, 10वां 11वां 12वां 13वां 15 दिन तक भी कर्मकांड चलते हैं, फिर महीने के चलते हैं, वर्ष के चलते हैं, तो जो कर्मकांड किए जाते हैं उस पर स्पेशल कर्मकांड यदि कर लिया गया तो वो पंचक का जो दोष होता है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि निसंदेह ना, हम जब इस बात को समझते हैं कि पंचक में मृत्यु यदि किसी की होती है तो वो व्यक्ति क्या करे जिसकी मृत्यु हो, या घर वाले क्या करें, जानबूझ के तो हो ही नहीं। तो हम जब समझते हैं तो हमारे जो देवता हैं, हमारे जो भगवान है, वो तो समझेंगे ना, जिन्होंने शास्त्र बनाए हैं वो तो समझेंगे ना। तो इसमें उनके उपाय हैं, निर्धारित हैं। अब ये उपाय कोई घर में नहीं कर सकता है, इसके लिए किसी विद्वान, किसी कर्मकांडी पंडित से संपर्क करना बहुत जरूरी होता है। तो यदि भगवान न करे ऐसा कहीं हो, लेकिन यदि ऐसा कहीं आप देखते हैं कि पंचक में किसी की मृत्यु है तो स्पेशल एक अलग से विधान होता है, वो विधान करवाना ना भूले, ताकि उस मृत आत्मा जो है उसे परम शांति प्राप्त हो। पहली बात तो एक चीज तो ये हो गई। पंचक में जन्म होना भी अच्छी बात नहीं मानी जाती है। वैसे तो जन्म भी हमारे हाथ में नहीं है। आजकल सी सेक्शन, सिजरियन जो डिलीवरी होती है, मुझसे कई बार लोग समय लेते हैं उसके लिए, और जब मुझसे समय लेते हैं तो मैं बड़ा हंसता भी हूँ इस बात पर कि हम ही भाग्य विधाता हो गए। लेकिन हो सकता है भगवान ही ये चाहते हो कि भैया आप समय ले लीजिए और इस समय डिलीवरी करवा लीजिए। तो मान लीजिए मैं 100 लोगों को समय देता हूँ, उसमें से 90 लोगों की डिलीवरी उसी समय हो जाती जो मैं समय देता हूँ। हो सकता है परमात्मा यही चाहते हो कि इसी समय इनकी इनका जन्म होना है। तो आप पंचक का समय तो जानबूझकर देते नहीं है, लेकिन यदि कहीं ऐसी डिलीवरी होती है, ऐसा बच्चा होता है जो पंचक में होता है, तो इसके भी अलग विधान होते हैं। ये मान्यता है कि पंचक में जन्म लेने वाला बच्चा कहीं ना कहीं बचपने में बीमार ज्यादा होता है,
बचपन में कहीं ना कहीं उसे किसी प्रकार की समस्याएं जरूर आती है, हेल्थ को लेकर के, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के खासतौर पर। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर कृषि का विशेष महत्व है, पहले भी था आज भी है। तो कृषि का कोई भी कार्य शुरू करना या मेड़ बनाना या कृषि जो खेती की जमीन है उस पर जो है किसी प्रकार से रेलिंग करना, उस जमीन को बांधना, नई फसल बोना, ये सभी पंचक में जो है वर्जित माना जाता है। किसी प्रकार के लकड़ी का कोई कार्य करना, लकड़ियों से कुछ भी बना रहे हैं या कुछ खरीदी कर रहे हैं, लकड़ी लकड़ी जैसे फर्नीचर्स हैं तो उसकी खरीदी कर रहे हैं या बना रहे हैं, काट रहे हैं, पीट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, तो इसे भी पंचक में जो है वर्जित माना गया है। तो ये सब चीजें जो है पंचक में वर्जित है, कुछ हमारे हाथ में है, कुछ हमारे हाथ में नहीं है। जो हाथ में नहीं है उसके विधान है कि भाई उसके लिए निवारण करवाए जा सकते हैं। तो ये एक बात हो गई, आप ये समझ गए पंचक क्यों, पंचक क्या होता है समझे, पंचक में क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए आप ये समझिए, ये समझ गए। तो मेरा कहना ये बनता है कि पंचक से बहुत ज्यादा भी डरने की जरूरत नहीं है। यदि किसी प्रकार से कोई और अलग कार्य, जो मैंने कार्य आपको गिना दिया अभी ये शास्त्रोक्त है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति कहता है कि भाई पंचक है और इस पंचक में आपने इस प्रकार की कोई खरीदी कर ली, अब लकड़ियों को छोड़ के बात हम कर रहे हैं, आपने ये प्रकार की खरीदी कर ली, बहुत खराब होने वाला है, आप इस जगह पर चले गए। हाँ एक बात और, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा नहीं की जाती पंचक में, लेकिन दक्षिण दिशा ही शास्त्र में लिखी हुई है, कहीं आप उत्तर दिशा में जाते हैं, पूर्व में जाते हैं, पश्चिम में जाते हैं, ऐसा शास्त्र में नहीं लिखा कि ये खराब है। तो आपने कहीं और दूसरी जगह यात्रा कर ली तो फिर कहा जाए कि आपने बहुत गलत किया, आपको हमेशा खराब ही फल मिलने वाले, पंचक में यात्रा शुरू आपने कर दी, डरने की बात नहीं है। हाँ शास्त्रोक्त बातों को पहले समझिए, शास्त्र क्या कहता है पहले आप इसे समझिए, उसके बाद में जो है आप मानिए। क्योंकि कई बार मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो जिनके जिन्हें विदेश जाना है या जिन्हें ट्रांसफर लेना है और बीच में पंचक पड़ रहा है, 5 दिन पड़ रहे हैं और ट्रांसफर की डेट जो है वो 5 दिनों के भीतर ही है, उन्हीं भीतर में या तो वीजा लगा है, तो मुझसे कहते हैं सर पंचक है, पंचक में यात्रा ही नहीं की जाती। तो भाई यात्रा ही की जाती, दक्षिण दिशा की यात्रा का शास्त्रों ने मना किया है, लेकिन हर दिशा में हर जगह यात्रा का तो शास्त्रों ने मना नहीं किया है। तो हमें पहले उसकी बारीकियां समझनी पड़ेगी, उसके बाद में जा करके हम उसे समझ पाएंगे। तो देखिए एक ही तराजू में सारी चीजों को ना तोले, पंचक आया मतलब बहुत बुरा समय आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी चीजें जो है वो अलाउ भी है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम आप कर भी सकते हैं, कुछ एक चीजें अलाउ नहीं है या फिर कहीं ना कहीं अशुभ है, वो मैंने आपको गिना दी, इससे ज्यादा पंचक में कोई अशुभता होती भी नहीं है, तो चिंता ना करें। हाँ रेवती नक्षत्र जो है गंडमूल नक्षत्र होता है, आपको शायद पता हो, मूल नक्षत्र तो वो भी एक प्रकार से खराब माना जाता है, लेकिन अन्यथा इसके अलावा कुछ दिक्कत की बात नहीं है। कई बार पंचकों में विवाह भी निकाले जाते हैं और जो कि अच्छे भी चलते हैं विवाह, तो हमेशा ही पंचक को खराब मान लेना और हर विषय में खराब मान लेना ये गलत बात है, कुछ विषय है जो मैंने आपको यहाँ पर गिना दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि पंचक क्या होता है, पंचक में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए और फिजूल के अंधविश्वास से, पंचक से, डरने से आपको निकलना चाहिए। और भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा, यदि मुझे लगता है कि वो प्रश्न सार्वजनिक तौर पर वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखे जाए तो मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, ऐसा मुझे लगता है। तो बिल्कुल आप जो है प्रश्नों को रख सकते हैं। हाँ एक बात की माफी जरूर चाहूंगा कि मैं सारे प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाता, व्यस्तता बहुत ज्यादा होती है इस वजह से, लेकिन मैं पढ़ता जरूर हूँ सारे, मैं कमेंट्स को पढ़ता जरूर हूँ और मुझे लगता है कि इनका आंसर मुझे देना है तो मैं अलग से वीडियो के माध्यम से जो है उसका आंसर जरूर देता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का वीडियो देखा, फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए आज के सुख आप सीखना चाहता हूँ, जय श्री सीताराम।